नमस्कार, मैं हूं कविता मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल एवन न्यूज टीवी में। रुक करते हैं दिनभर की बड़ी खबरों की तरफ। केंद्र की मोदी सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया है। सरकार ने इसे हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। शुक्रवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 44,643 नए कोरोना के केस सामने आए हैं और 464 संक्रमितों की जान चली गई है। राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 44 नए मामले सामने आए और इस महामारी से 5 और मरीजों की मौत हो गई, जबकि संक्रमण की दर कम होकर 0.06% रह गई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 7 और 8 अगस्त को यूपी प्रवास के दौरान अवध से ब्रज तक चुनावी मंथन करेंगे। 7 अगस्त को लखनऊ में सरकार व संगठन को चुनावी एजेंडा सौंपने के बाद 8 अगस्त को आगरा में चुनावी बिगुल बजाएंगे। पूर्वी लद्दाख के गोगरा में भारत और चीन की सेनाएं पीछे हट गई हैं। इसे पेट्रोलिंग पॉइंट 17A भी कहा जाता है। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में दोनों देशों के बीच तनाव का केंद्र रहा है। 12वें दौर की वार्ता के बाद दोनों देशों की इस पर सहमति बनी। दोनों के क्षेत्र में बनाए गए सभी अस्थायी स्ट्रक्चरों और अन्य सहायक इंफ्रास्ट्रक्चर को हटाने की भी बात कही है। संसद में पेगासस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने जोरदार हंगामा किया। विपक्ष के हंगामे को देखते हुए लोकसभा की कार्यवाही 9 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई है। भारतीय सेना मध्य प्रदेश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान में जुटी हुई है। सेना ने 700 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में कामयाबी हासिल की है। सीरम इंस्टीट्यूट की मांग, भारत में नोवावैक्स कोवावैक्स के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिले। टोक्यो ओलंपिक 2020 सेमीफाइनल में हारे रेसलर बजरंग पुनिया, कांस्य की उम्मीद अभी भी बाकी। हरियाणा सरकार टोक्यो ओलंपिक में सेमीफाइनल तक पहुंचकर इतिहास रचने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल प्रदेश की 9 खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए देगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एवन न्यूज टीवी। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें एवन न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए